अब बात करते हैं हरियाणा में हाँ तो यूपी में यस। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में लगे, ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पा रही है। अब समाजवादी पार्टी ने हरियाणा के बहाने कांग्रेस के सामने नई शर्त रख दी है। खबर है कि शर्त मानने की सूरत में कांग्रेस के साथ यूपी में सीटों की डील होगी। हरियाणा में होगी हाँ तो यूपी में सपा का यस। सीट बंटवारे को लेकर जारी है कश्मकश। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लोकसभा वाली मजबूत दीवार टूटती नजर आ रही है। सीटों के दावे को लेकर गठबंधन में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। यूपी में कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड से डिगने को तैयार नहीं है तो समाजवादी पार्टी हरियाणा में मुस्लिम यादव बहुल इलाके की 5 विधानसभा सीटें चाहती है। लेकिन ना तो कांग्रेस हरियाणा में हाँ करने को तैयार है और ना ही समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस की डिमांड को यस कहती दिखाई दे रही है। सपा का दावा है कि हरियाणा में 11 सीटें यादव बहुल है जबकि 7 सीटें मुस्लिम बहुल है। इनमें से सिर्फ 5 सीटें वो कांग्रेस से मांग रही है। हालांकि गठबंधन में दरार की बात से सपा इनकार कर रही है। यूपी में 7 मिलकर विधानसभा उपचुनाव में उतरने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी उन 10 सीटों पर अपनी तैयारी पूर्ण कर चुकी है। एक एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लामबंद है। जनता अपना मन बना चुकी है कि वो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन एक मत है, एकजुट है और हमें पूरी आशा है कि सब मिलकर के आने वाले उपचुनाव में साथ लड़ेंगे। खबर तो ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को मैसेज भिजवा दिया है कि हरियाणा में सपा मजबूत नहीं है तो यूपी में कांग्रेस की हालत भी बेहद खराब है। 2022 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देखें तो उपचुनाव वाली 8 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब था। कांग्रेस को हर सीट पर 6,000 से भी ज्यादा कम वोट मिले थे। मीरापुर, कुंद्रक्की, खैर और फूलपुर में तो उसे 2,000 वोट भी नहीं मिले। सिर्फ गाजियाबाद में 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। दोनों पार्टियों के अंदर खींचतान तो है लेकिन कांग्रेस भी खुलकर बोलने से बचती दिखाई दे रही है। देखिए 10 सीटों पर चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। एमएगिवली हमारी सीटें आपस में तय हो जाएंगी। जो जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जैसे हमें पूरा भरोसा है कि जैसे लोकसभा में जनता ने अपना विश्वास और आशीर्वाद हमें अपना सहयोग दिया वैसे ही वो फिर उपचुनाव में हमें देगी। यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस और सपा का लोकसभा वाला गठबंधन चलेगा या टूटेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।